दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है uh, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट क्या है जनरली एक्टिंग एज अ करियर का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट क्या है जो uh, जिस तरह का आई थिंक प्यार मिलता है लोगों से जो जेनुअन वाले जो आप जिनको बोलते हो आप फैंस बोलो या एडमिरेशन बोलो ये बहुत एक ह्यूमन टेंडेंसी है कभी किसी को मिलने से मना नहीं करती हूँ एक दो इंसिडेंट्स हुए थे विच आ, अगर टाइम होगा share, आप बता सकते तो, नहीं कुछ नहीं आज कल कुछ लोग ना वीडियो कैमरा लेके आ जाते हैं गलत है क्योंकि मैं बहुत ओपन हूँ स्पेशली जब मैं हिमाचल में होती हूँ आपको पता है वहाँ पे घर खुले घर होते हैं अब मैं अपने बगीचे में बैठी हूँ uh, तो कुछ लोग मेरा नाम भी प्रोनाउंस गलत करते होंगे एम आई है अमी का घर है अम्मी के घर चलते हैं तो तो आई मीट देम आई टॉक टू देम बहुत बच्चे होते हैं आई स्पीक टू देम कुछ कभी वो फोटो के बदले मुझे कीवीज दे जाते हैं पनीर दे जाते हैं घी दे जाते हैं पनीर दे हाँ क्योंकि गाय है ना तो फिर पनीर बनेगा या घी या दूध ले लेती हूँ हाँ पंजाबी भी आती है और पहाड़ी भी हिमाचली भी तो पर कुछ कुछ है खासकर आजकल की जो जो यंग यंगर मैं भी यंग ही हूँ यंगर जो जनरेशन है वो हाँ जेंजीज जो वीडियो लेके कैमरा लेके आ जाएंगे और आपको पता नहीं होगा तो और और फिर क्योंकि उनके व्लॉग जो हैं उस पर बहुत व्यूज़ आ जाते हैं तो okay. खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं ये बहुत अच्छी बात है पर ये बहुत बुरी बात है ये गलत है प्राइवेसी हाँ और आप बिना बताए आप किसी के घर में कैमरा लेकर आ रहे हो और उनको देख के फिर चार और लोग आ जाते हैं तो एक दो बार ऐसे भी हुआ मैंने कहा आप वीडियो शूट कर रहे हो ना लाइक हाँ मैंने कहा ऐसे मत करो मतलब फ़ोटो ले लो बात कर लो पर ऐसे मत करो ऐसे बिना बताए ये ये गलत है ऐसे लो एंगल में और कुछ गंदे से एंगल में आप शायद ये आपका तरीका है एक्सप्रेस करने का मेरे पापा ने बहुत कोशिश की मुझे समझाने के लिए मैंने कहा नहीं पापा ये नहीं मैं मानती ये एक चलो मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें बट ये जो एक इनकरेजमेंट है कि ये चलो अगली बार भी किसी के साथ ये करते हैं ये गलत है दैट्स नॉट राइट एनी पर पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक जो एक लोग बड़े खुश होते हैं जो यार यू नो बहुत अच्छा लगा आपका वो काम देखकर या आप या पर्सनली आपके बारे में कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगता है आई थिंक आई आई लाइक इट बहुत कम लोग फेम को हाईलाइट करते हैं इस तरीके से हर कोई फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है <laughs> <laughs> कि ऑन फेम यार फेम की लाइफ बदल दी आई थिंक वी आर वेरी लकी हम हमारा प्रोफेशन उन चंद प्रोफेशन में से है जिसके साथ इतनी बड़ी एक चीज़ एसोसिएटेड है जो मैं कह रही हूँ ह्यूमन टेंडेंसी टू बी एडमायर्ड चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो क्योंकि इंडिया में लोग अपने खुद के सर्कल के अलावा सिर्फ आ, फिल्म्स और क्रिकेट के बारे में सोचते हैं ज़्यादातर एंड आई रियलाइज मतलब जब मैं चंडीगढ़ जाती थी मेरे फ्रेंड्स के इन laws हो और भी बेटे वो सच है जी गल हैगी उस एक्ट्रेस <laughs> एक्टर मैंने कहा मैनू नहीं पता बेटा तुम कि कमा लेंगे हो

Exaggerated, the, <laughs> copy. मैंने का, हाँ जी अंकल मैंने ज्यादा नहीं पता hmm. तो ये है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टी आर एस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए